ये आखिरी बादशाह साबित होगा। ये कान खोल के सुन ले, दिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा। आप डटे रहिए, ना ये आंदोलनकारी मोर्चा छोड़ेंगे, ना अपने कानूनों को छोड़ेंगे। ये मुमकिन है जहां पे आंदोलन को दफन करने की कोशिश करी थी, ये आखिरी बादशाह साबित होगा लुटेरों का। अब घबराने की जरूरत नहीं, अपनी किलेबंदी ये खुद करेंगे। आप लंगर भंडारे चलाते रहो, इन्होंने 26 जनवरी का अपमान करा है, इसकी जांच होगी। इनको नहीं था ज्ञान, ये गुरु परंपरा से जुड़ा ये लोग हैं सब, जो 26 जनवरी थी हमने बहुत बार गणित का बताया, इनको हमने हर बार बताया, महिला दिवस का अंक इनको बताया, उसका अंक सारा 9 हफ्ता था, वो देवी देवताओं का अंक है। इन्होंने 26 जनवरी को हाथ डाला, हमने कहा था कि 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ और 26 तारीख को 4 लाख ट्रैक्टर लेके किसान दिल्ली में आया। 26 तारीख के अंक का ध्यान कर लेना, 2, 6, 8 होता है, 8 अंक होता है शनिदेव का, और जब दोनों मिल जाते हैं ये 8 और 8, 16, ये क्रांति की मिसाल थी। इन्हें 26 जनवरी जो ये कराने इन्होंने, जो 27वां ये 73वां गणतंत्र दिवस था, इन्हें क्या नहीं था, इनको 72 का गणतंत्र दिवस किसका था, 7 और 2, 9 का अंक होता है गुरु का। ये सारे गुरु परंपरा से जुड़े हुए लोग थे। आप गुरु परंपरा को नीचे धकेलने की कोशिश करोगे, मतलब वैसे ही करोगे कि राम मंदिर बना दिया, हमने वो कर दिया, बातचीत से इसका हल निकाल ले, हम बातचीत को तैयार हैं, आगे न कुआ और हम बातचीत से तैयार हैं। ये किसान मोर्चा जो हमारे 40 गठबंधन है, तो 40 मेंबरी कमेटी है, वो कमेटी से बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है, मैं भी उसमें एक मेंबर हूं। इन्होंने गणतंत्र दिवस का अपमान करने की कोशिश करी, इन्होंने झंडे का अपमान करने की कोशिश करी, हम फिर भी शांति के पुजारी हैं। ये किसान कोरोना काल में पुलिस की लाठियां बजती रही, इन्होंने अपने खेत की कटिंग करते रहे, पुलिस की लाठियों के बीच में इन्होंने अपनी फसल की कटाई करी, देश को भूख से नहीं मरने दिया। आप उनको गद्दार कहोगे किसानों को, आप उनको खालिस्तानी कहोगे, आप उनको अफगानिस्तानी कहोगे, आप उनको पंजाब और हरियाणा का आंदोलन बताओगे, कभी आप पश्चिम उत्तर प्रदेश का बताओगे, गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में भी डिक्लेयर नहीं हुआ, मतलब कौन सा है, हमने गन्ना दे दिया, कोई गुनाह कर दिया, हमें गन्ने का रेट तक भी नहीं पता, गन्ने का रेट भी डिक्लेयर हमारा हो, ये आंदोलन गन्ने का रेट का भी आंदोलन है, 3 बिलों का भी आंदोलन है, पूरे देश में जहां जहां समस्या है ये आंदोलन उसका है। और जो सहयोग पुलिस प्रशासन ने हमारा पहले करा, यहां पे जो सरकार यहां पे पहले सहयोग करती थी, वही सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं, कि जो साफ सफाई है, जो पानी है, हमको पानी बाहर से ना मंगाना पड़े, पानी आ गया था ना, आपने पानी बंद करा तो पानी आया, ये तो ये ना काम करे, अपना जो सरकार का काम है वो सरकार का अपना काम करते रहे, जो यहाँ के अधिकारी है वो उसी हिसाब से अपना काम करते रहे। जब आपको ड्यूटी लगेगी कि इनको हटाना है तो हटाने का काम कर लियो। ये जिस तरह की फौज अब की बार तैयार हुई है किसानों की, ये दिल्ली के 300 किलोमीटर में, इसको टूटने नहीं देना, कोई आपको कुछ ही कहे, आज आ गया है इस हिसाब से, जो किसान इकट्ठा होकर निकला है, उसने जाति धर्म सब चीज को किनारा करा। हमने सिंघू बॉर्डर पर जब हम जाते थे तो टोलियां आपस में फंसी हुई थी, सिख नॉन सिख की,
मुसलमानों की। एक का लंगर यहां लग रहा, दूसरे का वहां लग रहा, तीसरे का वहां लग रहा, मतलब इसको तोड़ोगे। सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी वो मोबाइल नंबर बता दे कि किस नंबर पर बात करें। हमको तो 7 साल हो गए प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, हम तो 7 साल हो गए हमको। वो नंबर जरूर बता दे कि कौन से नंबर पे हम बात करके बात करें। हमारे हैं कि बिल 3 कानून जो बने हुए हैं, जो 3 बिल है वे वापसी होंगे। एमएसपी पे कानून बनेगा, इस पूरे 26 तारीख के प्रकरण की जांच होगी, किसने तिरंगे का अपमान करा है उसकी जांच होगी। आप अपना जो प्रोग्राम है यहाँ पे, जो लोग भी आ रहे, जो खास करके जो नौजवान जो आ रहे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से 2000 लोग आने लग रहे हैं। जो कर्नाटक से लोग आएंगे मेरी कमेटी से, वो है क्योंकि कर्नाटक में गर्मी होती है और यहाँ पे सर्दी है। अभी भी जो कुछ लोग आए थे, करीब 15 लोग उनके थे यहाँ पे, तो अभी आप भी बात जो आएंगे उनके लिए जो चादर है, सोल, एक तो उसका इंतजाम रखना, जो जर्सी जैकेट वगैरह होगी उनका भी इंतजाम रखना, आते ही उनकी व्यवस्था उनको करवानी पड़ेगी। ये कमेटी अपना देख लेना, रखे होंगे यहाँ पे जो दिन में रात को उठ देंगे, जो चादर हो, मुझे सुबह ही मिले हुए तो आप भी बाजू में उनको फिर सबको चादर दी। तो जितनी भी चादर यहाँ पे किसी को मिल रही उनको इकट्ठे करते रहना। अरे एक चीज और बता दूं, जो चादर मिलती है ना, बहुत मान सम्मान से इनको लो, अगर इनका निस्तारण इसी जन्म में कर दिया ना साथ के साथ, अगर एक मिलती है तो 10 दान में देनी पड़ेगी, वापसी दे देना 10। अगर आपने रोक कर इसको घर ले गए ना तो अगले जन्म में 700 देनी पड़ेगी, याद रख लेना। मतलब सम्मान भी चाहकर चादर भी चाहगी, एक के बदले में 10 अभी दे देना, इसी जन्म में पार देना, गधन के घर ले जाओ और घर वालों को भी दे दो। जो भी घर वाला इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करेगा उसको बीमारी लगेगी, ठीक है। इनसे बगल रहना, अपने घर से अपने कमाई का पैसा उसमें डाल के और किसी ने किसी को दे दे करो उसको। ये नहीं कि अच्छा सम्मान भी चाहगा, सौरभा भी चाहगा और घर वाले तलाश में बैठे के आ जा मारे ले, इलाज हो जाएगा, इलाज इन्हें ले मत लेना, इन्हें दान कर दो, जिसको जरूरत है उसको देते रहो साथ के साथ ही। अभी आएंगे ना 2000 लोग कर्नाटक के आएंगे, उनको चाहिए चादर, तो जो कुछ है जिसपे अपने इकट्ठे कर लेना और उनको आते ही अपना दे देना, बांट दो जो कुछ करना। कोई लेकर हाथ आ गया नहीं मिल रहा, हमने तो पिछले साल फरवरी से जेब में पैसा रखना छोड़ दिया और काम बहुत बढ़िया चल रहा। पिछले 20 साल पहले ऊपर ले, अरे रोक दो, आ जान दो भाई अम्बालता जी को, आ जान दो अकेले ही आ जाइयो, अकेले ही आ जान दो, अरे आ जान दो अजय, ये थोड़े थोड़े से अगर तुम पीछे को हो जाओगे तो काम सारा ही नहीं चल जाएगा क्या? थोड़े थोड़े 2-2 मीटर पीछे को हो जाओ सारे, हो जाओ भाई पीछे को, हो जाओ बैठ जाओ पीछे को, होकर बैठो बैठो, कुछ पीछे हो जाओ, ये हमसे बैठो ना पीछे, छीरी नहीं पड़ेगा, बैठो, अरे आ जान दो उनको, आ जान दो। राज्यपाल जी, हमारे लोग जो वॉलंटियर थे, जो सेट किसका था, वो भी अपना काम चलाते रहे और इनकी व्यवस्था बनवाओ सब चीजों की, और ये रास्ता खोल कर रखो, जनता को बता दो, हमने तो खोल रखे रास्ते, तो हम गाड़ी लेकर चलो आगे दिल्ली, हाँ उन्हें ये रास्ते बंद ना करियो, हाँ उन्हें दिल्ली जान दो, जनता को उनका खुला रास्ता जाओ भाई। मतलब हम जब बंद करे थे तो कानून का उल्लंघन, जब पुलिस बंद करे तो कानून का हो, और भाई प्रेस के भाई भी 6 बजे प्रेस दूंगा, तब कार्ड छाट के मैं कुछ बता दूं, उसी में से ही तुम शब्द निकाल लो, और बस चारा में जो वहां बैठे ना वे कुछ ना कुछ वो कर दे,
तो ये ना करो, मैं तो ठीक बताऊंगा रुको बात। देखो अगर यहाँ से उस दिन काम हो गया होता ना प्रेस बचती, ना कोई आंदोलन बचना था, ना कोई आंदोलनकारी बचना था। तो इन चीजों का सब ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भाई।